आपको बताएं, यूपी कैबिनेट के मंत्री श्रीकांत शर्मा ने आज ऊर्जा मंत्रालय का कामकाज संभाल लिया है। तो सभी मंत्री एक एक कर अपना कामकाज संभालेंगे। कल ही आवंटन हुआ है मंत्रालयों का और अब श्रीकांत शर्मा ने ऊर्जा मंत्रालय में अपने अधिकारियों को शपथ दिलाई है। देखिए, ऊर्जा मंत्री बहुत महत्वपूर्ण विभाग है, न सिर्फ शहर के लिए बल्कि गांव के लोगों की भी जो निगाहें हैं वो न सिर्फ आपकी ओर बल्कि सरकार की ओर हैं। किस तरीके से इस प्रायोरिटी को बांटेंगे गांव और शहर की, ताकि जो शहर के लोग हैं और गांव के लोग हैं उनके बीच में जो समानता है वो कम से कम कम्प्लीट हो सके। सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी का बहुत अभिनंदन, बहुत आभार कि उन्होंने इतना बड़ी जिम्मेदारी हमें दी है, हमें सौंपी है, और हम पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ ये प्रयास करेंगे कि इस जिम्मेदारी का हम निर्वहन करें। और जो संकल्प हमारी सरकार ने लिया है 24 घंटे बिजली हर घर तक पहुंचाने का, माननीय प्रधानमंत्री जी का जो लक्ष्य है हर गांव में बिजली पहुंचे, हर खेत को बिजली पहुंचे, हर गरीब के घर बिजली पहुंचे, उस लक्ष्य को हम समय रहते पूरा करेंगे, उसके लिए प्रयास करेंगे। और उसके लिए हम सभी से सहयोग की अपील करते हैं, जनता से भी अपील करते हैं, सभी हमारे जितने भी हमारे विभाग के कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, सबसे अपील करते हैं, क्योंकि ये हम सबका लक्ष्य है उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाना। आजादी के आज लगभग 70 साल होने वाले हैं लेकिन गांव में बिजली तक नहीं पहुंची है, तो इस व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए जनता ने हमें मैंडेट दिया है। और इस जो अपेक्षाएं और जो हमसे लोगों ने जो विश्वास हम पर व्यक्त किया है, और उन अपेक्षाओं को पूरा करेंगे और विश्वास और भरोसों को और मजबूत करेंगे। तो इसलिए हम जनता से भी अपील करते हैं, कर्मचारियों से भी, अधिकारियों से भी, हम सब मिलकर उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाएं और हर घर में बिजली पहुंचाने का काम करें। 24 घंटे बिजली की बात पिछली सरकार ने भी की थी, उन्होंने कहा था कि अगर पिछली बार उनकी सरकार रिपीट होगी तो 24 घंटे बिजली देंगे। किस तरह से योजनाएं सर हैं, क्योंकि कुछ योजनाएं उनकी भी नहीं होंगी, तो क्या वो आगे बढ़ेंगे या नई योजनाओं पर काम? पिछली सरकार की जो कमियां रही हैं उन कमियों को हम दुरुस्त करने का काम करेंगे और हम एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं। जो त्रुटियां रही हैं उनको दुरुस्त करेंगे, अगर कुछ हमारे संज्ञान में आए, कुछ अच्छा काम हो रहा है राज्य की तरफ से, तो उस अच्छे काम को भी आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। तो केंद्र में पीयूष गोयल और यहां श्रीकांत शर्मा बिजली की उपलब्धता सुनिश्चित करेंगे। और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है बरेली से, यहां भी बूचड़खानों के खिलाफ शुरू हुई कार्रवाई। मीरगंज तहसील के शीशगढ़ कस्बे में पुलिस प्रशासन की टीम ने अवैध बूचड़खाने को बंद करवाकर ताला जड़ा है। अवैध तरीके से मीट बेचने वाले 19 लोगों को नोटिस जारी किया गया है। नगर पंचायत से पशु काटने और मांस बेचने वालों की सूची मांगी गई है। सुबोध मिश्रा हमारे संवाददाता, सुबोध किस तरह से ये कार्रवाई आगे बढ़ रही है बरेली में? देखिए, बताना चाहूंगा अपने दर्शकों को, जहां निजाम बदला तहीं जहां राजा तहां प्रजा, उसी तरह ये कहावत है। और ऐसा नहीं है कि पहले भी चल रहे थे, अब पूरी तरह से ये पुलिस और व्यवस्था पूरी तरह से मशगूल हो गई है बूचड़खाने बंद करने में। और जहां पर हमारे यहाँ जो बूचड़खाने चल रहे थे उसमें अगर विशेष तौर से बात की जाए तो शीशगढ़ और मीरगंज में ये अवैध रूप से 19 लोगों को इसमें नोटिस भी दिया गया है और करीब 2 दर्जन लोगों पर कार्रवाई करने की भी बात की जा रही है। ऐसे में एक बड़ा सवाल ये है कि क्या लगातार पहले नहीं चल रहे थे लेकिन अब ये पूरी तरह से पुलिस व्यवस्था भी पूरी तरह से शासन प्रशासन दुरुस्त करने में लगा हुआ है जी। और मैं आपको बता रहा हूँ लगातार ये कार्य चल रहा है जी। शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए सुबोध। तो अवैध बूचड़खानों को बंद किया जा रहा है, नोटिस दिया गया है और नगर पंचायत से सूची भी मांगी गई है लिस्टेड बूचड़खानों। और इधर यूपी के बीजेपी सांसदों के साथ पीएम मोदी आज ब्रेकफास्ट पर मीटिंग कर रहे हैं। यूपी में मिली बंपर जीत से खुश प्रधानमंत्री मोदी ने ये भोज रखा है। इस मीटिंग में ज्यादातर सांसद मौजूद हैं। पीएम की तरफ से ये एक तरह से कहें कि यूपी के उन सभी सांसदों का सम्मान किया गया जिन्होंने बीजेपी की जीत के लिए अपना जी जान लगा दिया था। आपको बताया कि बीजेपी ने अपने मिशन 300+ के तहत कई केंद्रीय मंत्रियों और यूपी के सांसदों को पूरी तरह से झोंक दिया था। खासकर सांसदों को ये लक्ष्य दिया गया था कि वो अपने इलाके में ज्यादा से ज्यादा सीटों पर बीजेपी कैंडिडेट की जीत सुनिश्चित करें।
यूपी के सभी बीजेपी सांसदों ने अपने इलाकों में सभी कैंडिडेट को जिताने के लिए जी तोड़ मेहनत की और उसका नतीजा अब सामने है। और अब आपको बताते हैं कि यूपी के सांसदों से पीएम मोदी ने क्या कहा। यूपी में जबरदस्त जीत के बाद बीजेपी से लोगों की उम्मीदें काफी ज्यादा हैं। सांसदों को जनता की उम्मीदों पर खरा उतरकर दिखाना है। जिस सांसद का रिपोर्ट कार्ड ठीक नहीं होगा वो एक्शन के लिए तैयार रहे, ये भी कहा गया। जितनी बड़ी जीत है उतना ही ज्यादा काम करके दिखाना है। तो इस मीटिंग में पीएम ने सांसदों को ये मोदी मंत्र दिया है, जिसमें उन्होंने सांसदों से कहा है कि उम्मीदों पर खरा उतरना प्राथमिकता में होना चाहिए।